सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशोर और आप लाइव हो मेरे चैनल पर यानी किशोर कुमार बैनर्जी पर। तो आज हम बात करेंगे, कुछ व्यूअर के सवाल लेंगे बेसिकली, और उसी से आ जाएगा हमारा टॉपिक जो कि है कि हम अपने पैशन या फिर हॉबी से कैसे अर्न कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यही रहेगा। तो मेरे कुछ व्यूअर है जिन्होंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे मुझे पोस्ट किया, मैं वो देख के आपको बता रहा हूँ। पहले जो है वो है सैफ अली बेसिकली। तो सैफ, अगर आप देख रहे हो तो सुन लेना, देख लेना ये वीडियो। तो उन्होंने पूछा था कि आई एम फिजिकली हैंडीकैप, आई वॉन्ट टू डू सम वर्क एंड अर्न सम मनी, इज इन देयर एनी वे। ये उन्होंने लिखा, मेरा वो डेटा एंट्री वाला जो किस्सा मैंने जो वीडियो बताया था जो फ्रॉडबाजी हो रही है डेटा एंट्री पे, उसके बाद आया। तो वो 10th स्टैंडर्ड के है बेसिकली। तो सर, कोई अपॉर्चुनिटी है तो बताना प्लीज़। तो बेसिकली मैं यूट्यूब पे आया हूँ सबको हेल्प करने के लिए, तो बताऊँगा तो ज़रूर सैफ, चिंता मत करो। और इधर और एक मेल आया है मुझे जीमेल में पुषेंद्र से, उन्होंने कहा है कि work from home data.com, ये जो वेबसाइट है डेटा एंट्री के लिए, ये ट्रू है या फॉल्स, तो मैं इस पर भी बात करूंगा। तो आगे चलते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आगे इस वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहूंगा कि जो व्यूअर्स पहली बार मेरे चैनल में आए हो या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ताज़ातरीन वीडियो लाता रहता हूं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं ऐसे चार स्टेप्स बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप अपने पैशन या फिर हॉबीज से अर्न कर सकते हो। तो पहला जो स्टेप है वो है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो स्किल है, अपने आपका जो पैशन है या फिर स्किल है, वो आप सेल करते हो क्लाइंट को एंड उसके थ्रू कमा सकते हो बेसिकली। तो फ्रीलांसिंग के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं बेसिकली। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है फाइबर, दूसरा प्लेटफॉर्म है अपवर्क, जहां पे आप अपना जो भी अपना पैशन है, पकड़ लीजिए आप अच्छा गाना गाते हो, पकड़ लीजिए आप अच्छा लिख पाते हो, या फिर पकड़ लीजिए आप अच्छा डांस कर पाते हो, या फिर पकड़ लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग पे, एसईओ, ऑफ पेज ऑन पेज, पीपीसी एडवर्ड पे भी काम कर सकते हो। तो आपको बेसिकली गिग बनाना पड़ता है, क्लाइंट को सेंड करना पड़ता है वो गिग्स। तो बेसिकली गिग क्या होता है कि आपको एक डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है कि मैं इस चीज पे काम कर सकता हूँ, और बायर्स या फिर आ सकते हैं और ये ले सकते हैं, मुझसे ऑर्डर ले सकते हैं। तो वैसे करके ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। अगर पकड़ लीजिए आपका ऑर्डर लग जाता है तो बेसिकली एक ऑर्डर पे आप $5-$10 के बेसिस पे कमा सकते हो। ये हो गया पहले फ्रीलांसिंग। अब दूसरा जो कहने वाला हूँ वो है कि फोटो डिलीवरी करके कैसे आप कमा सकते हो। तो कुछ ऐसे वेबसाइट्स है, शटरस्टॉक, आईस्टॉक एंड 500px, तो ये सारे चीजों में आप बन सकते हो कंट्रीब्यूटर बेसिकली। तो शटरस्टॉक का कंट्रीब्यूटर, फिर इसका कंट्रीब्यूटर बन सकते हो, आईस्टॉक का कंट्रीब्यूटर बन सकते हो, और वहाँ फाइबर, पिछले वाले में फाइबर और अपवर्क का डिस्क्रिप्शन साइन अप लिंक मैं आपको दे दूंगा, साइन अप करना पड़ता है बेसिकली। फिर और वैसे भी शटरस्टॉक और आईस्टॉक में भी साइन अप करना पड़ता है, और साइन अप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में दे दूंगा। तो नॉर्मली वहां पे क्या होता है कि इमेज अच्छा आप पकड़ लीजिए अच्छा फोटो खींचते हो, ये बेसिकली फोटोग्राफर्स के लिए है। और पकड़ लीजिए अच्छा फोटो खींचते हो तो कुछ इमेज आपने खींच लिया, फिर उसको सबमिट किया एज ए कंट्रीब्यूटर, तो डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, टैग देना पड़ता है बेसिकली। और अगर पकड़ लीजिए आपका इमेज सेल होता है तो आप कमीशन वाइज कमा सकते हो। तो ये हो गया सेकेंड, फोटो डिलीवरी। अब थर्ड बता रहा हूं, अगर आपके पास है वेबसाइट या फिर यूट्यूब चैनल तो गूगल एडसेंस के थ्रू आप कमा सकते हो। तो वेबसाइट में क्या करना पड़ता है, वेबसाइट में देना पड़ता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आप लोकल लैंग्वेज में लिख सकते हो या फिर इंग्लिश में भी लिख सकते हो, और एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वर्ड्स एंड आर्टिकल्स हो जाने के बाद आपका गूगल एडसेंस अप्रूव करना पड़ता है। अगर आपका गूगल एडसेंस अप्रूव हो जाता है तो आप कमा सकते हो उसके बाद। तो इस तरीके से ये हो गया तीसरा वे जिसके थ्रू आप कमा सकते हो। अब जाते हैं चौथे वाले में, जो की है कि डायरेक्ट सेलर बन जाना।
अगर पकड़ लीजिए आप कुछ अच्छा हैंडीक्राफ्ट बना सकते हो, आइटम्स बना सकते हो, डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हो, तो या फिर बुक्स लिख सकते हो, तो डायरेक्टली आप बन जा सकते हो अमेज़न के सेलर या फिर फ्लिपकार्ट के सेलर। और इन दोनों का साइन अप लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में, तो उसके थ्रू आप डायरेक्ट बन जाओगे सेलर। फिर आपको साइन अप करना पड़ेगा उस पेज में और डायरेक्टली आप कॉन्टेक्ट कर लोगे अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट के सेलर के साथ, और आपका नियरेस्ट वर्कशॉप के थ्रू वो आ जाएंगे आपके घर आपका हैंडीक्राफ्ट या फिर जो भी डेकोरेटिव आइटम आपने बनाए वो डिस्पैच करने के लिए। तो ये और एक सेल के हिसाब पे आपको कमीशन वाइज अमाउंट मिलता रहेगा। तो ये हो गए चार स्टेप्स जिसके थ्रू आप कमा सकते हो। ये सारा मैं एक टेबल में फिर से एंड ऑफ द वीडियो में दे दूंगा 10 सेकंड के लिए आप देख पाओगे फिर से। तो होप सेफ तुम्हें इन सब से हेल्प मिले और कमा पाओ तुम भी आराम से। और इधर कुशेंद्र के बारे में जो था कि कुशेंद्र ने कहा था कि workfromhomedata.com ऐसा एक साइट के बारे में मुझे उसने पूछा था कि क्या ये जेन्युइन है कि नहीं। तो मैंने बेसिकली एडवाइस किया कि ऐसे साइट्स में जाना ठीक नहीं, क्योंकि जो फिर गाइडलाइंस मैंने देखा टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें बहुत कुछ ऐसे थे जो फेक लगे। तो workfromhomedata.com में मत जाइए बेसिकली। और भी ऐसे कुछ साइट अगर आपको आप जानते हो तो आप लिख सकते हो मुझे। और मेरा मेल आईडी आपको पता ही होगा, मेल आईडी में जाइए और आप सवाल कीजिए बेसिकली, कोई भी सवाल हो और मैं जवाब देने को तैयार रहूंगा बेसिकली। हेल्प करने के लिए आऊं तो हेल्प ही करूंगा यूट्यूब पे, तो दीजिएगा सवाल कीजिएगा। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि मैंने नया ड्रामा सीरीज शुरू किया है, तो मेरे वीक में दो वीडियोस आएंगे अब से, कि एक वीडियो रहेगा लर्निंग के ऊपर या फिर ट्यूटोरियल के ऊपर जैसा कि ये है, और दूसरा वाला रहेगा ड्रामा के ऊपर। तो नेक्स्ट वाला जो आने वाला है वो ड्रामा के ऊपर रहेगा। तो जब तक ये वीडियो खत्म हो जाए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और ड्रामा में मिलते हैं आपके साथ फिर से। तो तब तक के लिए बाय, और 10 सेकंड के लिए वो टेबल फिर से आ जाएगा तो देख लीजिएगा। बाय दोस्तों।